सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड रिजल्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी के लगातार ये सवाल आ रहे थे कि जो हमारा रिजल्ट है वो कब तक आएगा। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को इन्फॉर्मेशन शेयर किया था, बट अब ऑफिशियली पीएनपी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। क्या इसमें बात बोली गई है, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को तो ज़रूर शेयर करें, ताकि हर एक प्रशिक्षु के पास ये इन्फॉर्मेशन या जानकारी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकेंगे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, 2 दिसंबर की जगह पे नवंबर हो गया, तो यहाँ पे कट करके लिखा गया है 2 दिसंबर 2020 को ये नोटिस जारी हुआ है, जिसमें क्या ये सब्जेक्ट क्या है तो यहाँ पर आप देख सकेंगे। थोड़ा हम इसको जूम इन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि बीटीसी प्रशिक्षण 2013, 2014 और 2015 एंड डीएलएड प्रशिक्षण 2017 जिनकी परीक्षाएं छूट गई थी या फिर अनुत्तीर्ण थे, या फिर 2018 या 2019 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा वर्ष 2020 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। यानी यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हो कि जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनकी कॉपी कब से कब तक चेक की जाएंगी, यहाँ पूरा इन्फॉर्मेशन इस नोटिस में दिया गया है। देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि जैसे आप सभी को पहले से ही पता है, बीटीसी प्रशिक्षण 2013, 2014, 2015 एंड 2017, 2018 और 2019 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा उत्तर प्रदेश के जनपदों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 30/10/2020 से 11/11/2020 तक संपादित कराई गई। उक्त परीक्षा के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दिनांक, यहाँ पर आप देख सकेंगे, मैंने जैसे कि आप सभी को बताया भी था कि दिसंबर के फर्स्ट वीक्स, तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हो 5/12/2020, यानी 5 दिसंबर 2020 से आपकी कॉपी चेक, मतलब कह सकते हो इसकी शुरुआत हो जाएगी, कॉपी चेक होने लगेंगी। और यहाँ पर डेट भी दिया गया है कि 20 दिसंबर तक, यानी 20 दिसंबर 2020 तक जितनी भी कॉपियाँ हैं उनको पूर्ण रूप से चेक कर ली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके से आप सभी को पता है कि मैंने भी बताया था कि दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में आप सभी का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि 20 को आप सभी की कॉपी चेक हो जाएंगी, उसके बाद डाटा जो है वो साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा और आप सभी को अपने रिजल्ट के बारे में पता लग जाएगा। तो यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत बचाव के संबंध में राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दिशा निर्देश के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग, यानी किस तरीके से आपको कॉपी चेक करना है, पूरा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, बस आप सभी को ये जानना जरूरी है कि कब से आपकी कॉपी स्टार्ट होंगी, तो 5 दिसंबर 2020 से, और कब ख़त्म होंगी, तो 20/12/2020 को ख़त्म हो जाएंगी। इस तरीके से ये हम कह सकते हैं कि जो आप सभी का रिजल्ट है वो दिसंबर के लास्ट या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में कन्फर्म है कि आ जाएगा। बहुत सारे प्रशिक्षु ये सवाल पूछ रहे थे कि जो मैथ सब्जेक्ट है इसमें पासिंग जो मार्क्स है वो कितना होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जो मैथ सब्जेक्ट है ये 25 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। ये भी सवाल आता है कि क्या स्टेप बाय स्टेप पे नंबर मिलता है, तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप केवल आंसर लिख देते हो तो अति लघु में तो मिल जाएंगे, लेकिन जो लघुत्तरीय होता है, ठीक है, उसमें एक नंबर ही मिलेंगे, एक नंबर कट जाएगा। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और भी आपके कमेंट्स या डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक प्रशिक्षु के पास ये इन्फॉर्मेशन मैसेज पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ प्लस नई क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।